नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। पिस्ता सबसे पॉपुलर नट्स में से एक है। इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं और इसके ये गुण ही इसे एक सुपर फूड बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिस्ता के बेनिफिट्स की, साथ ही ये भी बात करेंगे कि पिस्ता को हम कैसे अपनी डाइट में शामिल करें जिससे इसका फायदा हमें डायरेक्ट पहुंचे। वैसे दोस्तों, पिस्ता सलाद, आइसक्रीम, बेक्ड फूड्स और मिठाई के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा आप इसे एक स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। पिस्ता में कई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ये विटामिन B6, प्रोटीन, मिनरल्स जैसे कॉपर और फास्फोरस से भरपूर होता है। एक रिसर्च में ये पता चलता है कि लोग हजारों सालों से पिस्ता का सेवन कर रहे हैं और ये हर तरह से हमें फायदा पहुंचाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं पिस्ता के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। वैसे ये शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के साथ साथ हमारे दिल को भी हेल्दी रखता है और मेमोरी को बेहतर करने में काफी मदद करता है। पिस्ता में ऐसे कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो ब्रेन की फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं और इसे अधिक अलर्ट और एक्टिव बनाते हैं। साथ ही पिस्ता शरीर से ब्रेन में रक्त के संचार को बढ़ाता है जिससे ब्रेन हमारा और एक्टिव होता है और काम बहुत अच्छा करता है। पिस्ता विटामिन B6 से भी भरपूर होता है। ये ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है और रक्त के संचार में सुधार करता है। हर रोज पिस्ता का सेवन करने से हीमोग्लोबिन के उत्पादन में काफी मदद मिलती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह में सुधार होता है। ऊर्जा से भरपूर होने के बावजूद नट्स वजन घटाने के लिए सबसे फायदेमंद फूड में से एक है। कुछ स्टडीज से पता चलता है कि पिस्ता वजन घटाने में काफी मदद करता है। पिस्ता में फाइबर और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स आपको फुल रखते हैं और फास्ट और जंक फूड खाने से रोकते हैं जिससे आप अधिक खाने से बचते हैं। पिस्ता में विटामिन B6 भी होता है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल के उत्पादन में मदद करता है। ये शरीर को अधिक प्रतिरोधी बनाता है जिससे संक्रमणों के खिलाफ लड़ने और कैंसर कोशिकाओं से बचाव करने में मदद मिलती है। एंटीऑक्सीडेंट ल्यूटिन और जैक्सैंथिन आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पिस्ता इन दोनों एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा खासा सोर्स है। इसका हर रोज सेवन करने से आप अपनी आंखों की संभावित बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, ये तो रही बात पिस्ता के बेनिफिट्स की, अब आपको हम पिस्ता से होने वाले नुकसान के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल पिस्ता खाना सभी के लिए सुरक्षित होता है और इसका सेवन सही मात्रा में करने से ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है। हालांकि किसी भी फूड का जरूरत से ज्यादा सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है और पिस्ता के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप असंतुलित मात्रा में पिस्ता का सेवन करते हैं तो इससे कई नुकसान भी हो सकते हैं। पिस्ता में फाइबर ज्यादा होता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, लेकिन फाइबर की ज्यादा मात्रा पेट को खराब, पेट में ऐंठन या अन्य डाइजेस्टिव समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा पिस्ता में सोडियम होता है, इसीलिए इसे अधिक खाने से हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। इनके अलावा पिस्ता का अधिक सेवन करने से खट्टी डकार, पेट फूलना, कब्ज, सूजन जैसी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए ध्यान रहे, अगर आप इसे डाइट में शामिल कर रहे हैं तो इसका सेवन लिमिट में करें। अब हम आपको बता दें कि पिस्ता को आप अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं। पिस्ता एक नट है जिसे आप डायरेक्ट खा सकते हैं या इसका इस्तेमाल अन्य फूड्स जैसे खीर, पुडिंग, स्मूदी, सीरियल, आइसक्रीम इन सब में प्रयोग कर सकते हैं। शाम या मिड मॉर्निंग के समय छोटी मोटी भूख के लिए आप जंक फूड खाने के बजाय पिस्ता को एक स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। दिन में एक या दो मुट्ठी पिस्ता का सेवन उचित होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि पिस्ता आपको किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं तो इसे लिमिट में खाएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।